हे हाय हाय गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं पोको M4 फोन का रिव्यू, क्योंकि मेरा दोस्त ने नया फोन ऑर्डर दिया है। आ गया मेरा न्यू फोन टुडे, और उसने मुझे कॉल कर दिया कि भाई फोन आ रहा है, जल्दी से आज अनबॉक्सिंग करते हैं एक साथ। तो अभी फोन आ गया, डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया है, वो अभी आने वाला होगा। तो हम लोग जाते हैं, फोन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करते हैं। लेट्स गो। यस, तो हाय, तो देख सकते हैं कि फोन मेरे हाथ पे है। Yes, मेरा भी फोन है। इसी का फोन है। मैं तो बस अनबॉक्सिंग करने बैठा हूँ। तो चलिए इस फोन को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। पोको M4, राइट? Yes, पोको M4 Pro। ओके ब्रो, पोको M4 Pro, ठीक है, पोको M4 Pro को अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। चाकू भी आधार। तो पहले देख लेते प्राइस पे, इसका प्राइस कितना बड़ा? मेरा तो एक्चुअली सिटी बैंक का कुछ डिस्काउंट मिला था। ओके, सिटी बैंक का डिस्काउंट मिला, कितना पड़ गया होगा प्राइस का? मेरा हुआ 10,278। वाओ, 10,278 सही प्राइस में मिल गया यार पोको M4। ये तो प्रीमियम फोन है पोको सीरीज का। हम पोको को बता देता हूँ दोस्तों, पोको का M3 M4 जितने M वाले सीरीज होते हैं ना, वो ये फोन निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसा है बॉक्स होने के बाद, ये देख सकते हैं आप। तो आप देख लेते पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो बॉक्स में दिया हुआ यार, इसमें MediaTek Helio G96 प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, डुअल स्टीरियो स्पीकर, इस प्राइस रेंज 15,000 के अंदर मिलना बहुत सही बात है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जो कि हर एक फोन में आजकल दे रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग है, 33 वाट। और ये बैटरी देखने लायक है, 5000 mAh बैटरी, यार यही तो चाहिए होता है। मजा आया, पूरा दिन काम करने के बाद बार बार चार्जर लगाओ, फोन कभी लगता है कि लैंड फोन बन गया है। तो ऐसी चीज के वर्क करने के लिए 5000 mAh गुड। और 3GB टर्बो रैम एक्सटेंशन। टर्बो रैम एक्सटेंशन क्या होता है बता देता हूँ। टर्बो रैम एक्सटेंशन होता है कि जब आपके फोन को एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, तब फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है उससे फोन मेमोरी एक्सटेंड कर सकता है। तो 3GB तक इस पे एक्सटेंड हो सकता है। और इसका कैमरा कितना लगेगा? 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। वाओ यार, तेरे इस फोन के अंदर तो ये 12,000 के अंदर गोरिल्ला ग्लास, इट्स अमेजिंग। और इसको मिल रहा है IP53 रेटिंग। हाँ, ये बता देता हूँ ये फोन की 4G फोन है। 5G फोन क्यों नहीं लिया इसने? क्योंकि 5G फोन में इसको ये नहीं मिल रहा था सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यार सुपर एमोलेड डिस्प्ले और LCD स्क्रीन में बहुत अंतर होता है। सुपर एमोलेड में वीडियो इतना सही दिखता है ना वो यार, इसका मतलब विजुअल मतलब सीइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। ये कैमरा है वो 64 MP का है। और सेल्फी कैमरा इसका 16 MP है। तो चलिए, ये तो बॉक्स में लिखा हुआ था, अभी अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो देखने में कैसा है लुक्स में, तो मिट से काट लेते हैं यार, चाकू बहुत यार। ओहो टाडा, अरे भाई, चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। पहले क्या क्या दिया हुआ है बॉक्स में, ये तो आजकल सभी बॉक्स में दे रहा है एक शायद। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट कवर है बॉक्स में, इसको खोल देख लेते हैं। ऐसा एक सेक्सी से ट्रांसपेरेंट कवर, लोग साइड में रखते थे इसको। और क्या क्या दिया हुआ है बॉक्स में उसको देखेंगे पूरा, धीरे धीरे खोल रहे हो दोस्त, का फोन नहीं है। तो ये है भाई तेरा फोन। और इसको बोलते हैं यार, ये तो गजब दिख रहा है वो। वाओ, जस्ट इसको देखिए, इसका कलर जो है मतलब ऑसम। फर्स्ट फीलिंग इसको पकड़ने के बाद यार, ये तो मैं बोल सकता हूँ ये मैक्सिमम फोन में जो होता है ना, पीछे आप पकड़ते हो तो फिंगरप्रिंट के ये छाप लग जाते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, ये मैट फिनिश दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई स्क्रैची या कोई भी दाग नहीं लग रहा है। ये मस्त फीचर है। और ये देखिए गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है, तोड़ूंगा नहीं यार, टेंशन मत ले तू। इसका डिजाइन देखिए यूनिक है, कोई भी फोन का ऐसा ट्रिपल रियर कैमरा आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम का ये आईफोन को मतलब कॉपी करते थे, नकलची बंदर है सब, कॉपी करके यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा लगा था। लेकिन इसका पूरा ही अलग है सेटअप, यहाँ पे पोको का अलग ट्रेडमार्क के साथ आया है। बहुत ही मस्त दिख रहा है फोन देखने में। फोन को इसको रखते हैं और देखते बॉक्स में क्या है। 33 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर, ऑलमोस्ट लगता है 33 वाट अगर है तो इसको हो जाना चाहिए 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा फुल चार्ज, जो कि बताया गया डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये सब तो हो गया, तो भाई साइड करते हैं। अब आते हैं फोन पे, नया फोन, हाँ इसको अभी स्टार्ट करते भाई, ठीक है। हाँ, भगवान का नाम ले ले, फोन स्टार्ट हो रहा है, फोन के लेके स्टार्ट हो रहा है।
आकाशी बैटमैन में फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो ये देखिए फोन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, सेटअप कर दिया है, ये पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ जानना होता है ना, तो इसने मना कर दिया भाई ये सब मत रिकॉर्ड कर, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये देखिए फोन अभी स्टार्ट हो चुका है और इसका पुराना फोन में दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पुराना फोन, इसका ग्लास टूट के हालत खराब है भाई, इसका यही हालत हुआ है। आप समझ रहे हो तो ये फोन का वेट भी है 180 ग्राम के करीब, तो काफी सही है। अभी इसको करते क्या, इसको पूरा कर आपको अप्रोक्सीमेटली कैसे क्या है फीचर्स थोड़ा चला के उसको डिटेल में रिव्यू देते हैं। चलिए A few moments later. ये देख सकते हैं गाइस फोन, तो इसके पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरे में हमने कुछ फोटो लिया था अपना, तो ये देख सकते हैं आप फोटो, देखिए सेल्फी ऐसा आ रहा है कुछ। ये बैग पीछे जाके मैंने लिया था एक फोन, तो कलर तो सही आ रहा है इसका, अच्छा मतलब ओरिजिनल कलर दिखा रहा है। हाँ थोड़ा AI मोड में लेंगे तो थोड़ा ये डाल देगा, एनहेंस कर देगा कलर को, बट सही है ऐसा होना चाहिए। पीछे का बैक कैमरा ये हो गया, कैमरे का तो कैमरा आप सही बोल सकते हैं मान लो तो। हाँ जो फ्रंट कैमरा है वो बेटर लग रहा है मुझे रियर कैमरे के मुकाबले, जो कि आजकल मैक्सिमम कैमरे में किया ही जा रहा है कि फ्रंट कैमरा ज़्यादा इफेक्टिव रखा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सेल्फी लेते हैं या ब्लॉगिंग करते टाइम, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा इंपॉर्टेंट चाहिए। बाकी डिज़ाइन तो आपको बता ही दिया, इसका सेटिंग का ये देख लेते हैं, फ़ोन कैसा फास्ट है, स्मूथ ही लग रहा है मुझे तो जैसे कर रहा हूँ। आप प्रीइंस्टॉल बहुत सारे ऐप हैं, आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह है, आपको चाहिए तो रखिए वरना आप डिलीट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट देख लेंगे अभी, है फिंगरप्रिंट भी फास्ट है। हाँ वीडियो सेटिंग में जाते हैं, वीडियो सेटिंग में जाके देखते हैं तो 1080p 30fps है, 60fps यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अंडर 15,000 फोन में आपको 60fps मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो या ठीक है यही बेसिक फीचर है जो 1080p और 720p में भी 30fps मिल रहा है आपको। उसके बाद चले जाते हैं हम थोड़ा अबाउट के फ़ोन के सिस्टम में, क्या अपडेट दिया है इसमें, देखिए आप 13 वर्जन दिया है, जो इंस्टॉल्ड ऐप है वो ले रहा है ऑलमोस्ट 19GB, तो 64GB का इसका इंटरनल स्टोरेज है। इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि 120GB का जो होता है, 128GB का, वो भी आप देख सकते हो प्राइस में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बाकी तो ये सही लग रहा है डिवाइस, स्पीड के मामले में भी रिएक्शन टाइम इसका सही है, स्मूथ है, 90Hz है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले दिया है, तो एमोलेड के साथ ये लोग जनरली 90Hz का ही रखते हैं रिफ्रेश रेट, तो मेरे हिसाब से सही फ़ोन है यार, बजट फ़ोन है। तो यार फोन का तो ये पूरा रिव्यू दे दिया, बजट फ्रेंड है, बजट फ्रेंडली फोन है, तो आप देख सकते हैं मतलब ये बजट रेंज के अंदर यार मतलब एमोलेड स्क्रीन मिलना, उसके ऊपर से डुअल स्टीरियो स्पीकर, देखिए ऊपर से भी स्पीकर है नीचे से भी स्पीकर है, ये 15,000 के अंदर नहीं मिलने वाला भाई, ये बहुत कम ही मिलता है। 5,000 mAh बैटरी, तो ये की फीचर है इस फोन के। मुझे कैमरा सही लगा, बैक कैमरा थोड़ा हाँ ठीक है मतलब ऑलमोस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बट फ्रंट कैमरा बहुत सही है, तो मेरे हिसाब से तो इस बजट के अंदर हो गया बजट। तुझे फायदे में मिल गया भाई, इसको बहुत फायदे में मिला क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 10,500 में कुछ मिल गया फोन, सिटी बैंक का ऑफर लगा के, जो कि आजकल फोन बहुत महंगा हो रहा है ये जान लीजिए, ग्लोबल चिप शॉर्टेज है, तो इस वजह से स्मार्टफोन का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, तो ये प्राइस में ये फोन इस फीचर के साथ मिलना बहुत अच्छी बात है। तो हो गया एक अपडेट रिव्यू फोन का, दोस्त ने फोन देख लिया, अनबॉक्सिंग भी कर लिया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो, मैं बोल दो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो सब लोग, आकाशी बैटमैन BNB ब्लॉग्स एंड वाइन, इसको प्लीज लाइक, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज 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 नहीं कर देंगे ये लोग अच्छे, तो थैंक यू बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी इससे सेल्फी लेते हैं यार, चलो चलो बाय।